खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने की कीजिए तैयारी। 30 मई 2023 यानी कि शुक्रवार के दिन भगवान शुक्र का गोचर होने जा रहा है। और आप सभी को पता होगा कि शुक्र गोचर पर इस बार एक ऐसा अद्भुत महासंयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग, जिससे 6 राशियों की किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। मित्रों 30 मई 2023 से लेकर 7 जुलाई तक भगवान शुक्रदेव अच्छी पोजिशन पर रहेंगे, यानी कि उच्च की स्थिति में रहेंगे, जिससे 6 राशियों की लाइफ में जबरदस्त रूप से परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 6 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां जिनको लक्ष्मी योग बनने के कारण साक्षात माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा मिलेगी। दोस्तों भगवान शुक्रदेव के आशीर्वाद से उनको सांसारिक सुख, आकर्षण, विलासिता, धन दौलत, ऐश्वर्य, कर्ज मुक्ति और इसी के साथ वैवाहिक जीवन में भी मधुरता देखने को मिलेगी। तो चलिए एक एक करते हुए सभी राशियों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शुक्रदेव अवश्य लिखिएगा और वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों आपको बता दें कि 30 मई 2023 यानी कि मंगलवार की रात को 7:51 पर भगवान शुक्रदेव चंद्रमा की राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और यहां पर वो 7 जुलाई तक विराजमान रहेंगे और इसी के साथ बनेगा लक्ष्मी योग का अद्भुत और महासंयोग। तो चलिए सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है ना उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मार कर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक, थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने या डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है और कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों मेरे इस संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपने श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन या 15 दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में आपको साक्षात माता लक्ष्मी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर मिलेगा और यही कटु सत्य है। चलिए 30 मई मंगलवार के दिन जब भगवान शुक्रदेव के गोचर से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी और भो से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों भगवान शुक्रदेव के गोचर से जो लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है ना, इस अद्भुत महासंयोग के अवसर पर मकर राशि वालों को धन कमाने के यानी कि लाभ कमाने के बहुत ही अच्छे और नए नए अवसर मिलेंगे। यह लक्ष्मी योग आपको खूब अच्छा धन का लाभ कराएगा और इस दौरान कार्य क्षेत्र में किए गए काम से आपको लाभ ही लाभ यानी कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। साथ ही आपकी पर्सनल लाइफ में भी सुख और सुविधा के अलावा प्रेम प्रसंगों में बढ़ोतरी होगी। जिनकी मकर राशि और जो अपना स्वयं का व्यापार करते हैं ना, उनको अपने व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, तरक्की मिलेगी, भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा और इसी साल 2023 में आप अपने व्यापार में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे। साथ ही जिनकी भी मकर राशि है और अगर वो कोई भी नौकरी वगैरह करते हैं या कोई भी प्राइवेट जॉब करते हैं ना, उनको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा, मन चाहा पद की प्राप्ति होगी। दोस्तों भगवान शुक्रदेव का गोचर मिथुन राशि वालों के दूसरे भाव में होने जा रहा है और दूसरे भाव में होने से शुक्र आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने यानी कि धन को बढ़ाने में
सहायक सिद्ध होंगी। बिजनेस में कई जबरदस्त बदलाव को आपको फायदा देखने को मिलेगा। उसके अलावा सौंदर्य से जुड़ा कोई भी व्यापार अगर आप करते हैं ना, तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा, जो कि लंबे समय तक आपको धन का लाभ भी देगा। चलिए जान लेते हैं दूसरी जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों भगवान शुक्रदेव का गोचर मीन राशि वालों के सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी करेगा। 30 मई के बाद जिनकी भी मीन राशि है ना, उनको नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का सौभाग्य बढ़ेगा। यानी कि इस साल आप कोई भी मकान जमीन या कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, खेत वगैरह या फार्म हाउस संपत्ति आपको मिलने की चांसेस बन रहे हैं। नौकरी में अगर आप बदलाव करना चाहते हैं ना, तो भी समय अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी। और वहीं मीन राशि वालों की लव लाइफ में यानी कि आपके प्रेम जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी ना, वो भी दूर होगी। भाग्य का पूरी तरीके से आपको साथ मिलेगा। मीन राशि वाले कोई भी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो उनको तरक्की मिलेगी, आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिल सकता है। और साथ ही जो स्वयं का व्यापार करते हैं, उनके लिए तो व्यापार में भाग्य का ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है? और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नव ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा देनी होती है। ऐसे में आप फालतू फोन करके अपना खुद का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, या आपको संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको करियर में सफलता नहीं मिल रही है, आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहता है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की फीस देकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं शुक्रदेव के आशीर्वाद से अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो बनती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना नी नो ने नो या यी और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों भगवान शुक्रदेव का गोचर वृश्चिक राशि वालों के नवम भाव में होने जा रहा है और शुक्रदेव के इस शुभ प्रभाव से जो भी विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है ना, उनको पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और शुक्रदेव के प्रभाव से ऑफिस या कार्यस्थल पर जहां कहीं भी आप काम करते हैं ना, वहां पर आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और ये जिम्मेदारियां आपको तरक्की और धन दोनों में ही लाभ दिलाएगी। प्रेम संबंधों में यानी कि लव मैटर्स में जो कुछ भी अड़चन आ रही थी वो दूर होगी और आपकी बात जल्द ही शादी तक पहुंच सकती है। और जिनके भी वृश्चिक राशि है ना, उनका इस साल 2023 में विवाह होने का योग प्रबलता के साथ बनेगा। भगवान शुक्रदेव आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होंगे। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपने कहीं पर भी कोई पुराना इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे आपको इस साल बहुत ही अच्छा और जबरदस्त लाभ मिल सकता है, भाग्य का साथ मिलेगा। और जिनकी भी वृश्चिक राशि है ना, उनको धन का लाभ मिलेगा, व्यापार में अच्छी ग्रोथ होगी, प्रोग्रेस होगी। और वहीं अगर आप कोई भी नया व्यापार या कुछ अन्य काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो भी समय आपके लिए उत्तम और प्रबल बना हुआ है। चलिए अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी वो आती है मेष राशि,
जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है उनकी मेष राशि होती है। और मित्रों शुक्र ग्रह का गोचर मेष राशि वालों के चौथे भाव में होने जा रहा है और यह चौथा भाव मेष राशि वालों को पारिवारिक सुख और सुविधा प्रदान करेगा। जो व्यक्ति रोजगार की तलाश में लगे हैं वो नौकरी पाने में कामयाब होंगे और वहीं कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों की तारीफ होगी। आपके काम से अधिकारी प्रसन्न होंगे। इनकम में बढ़ोतरी के प्रबल योग बन रहे हैं। घर में चल रहा तनाव यानी कि टेंशन खत्म होगी। परिवार में सुख का आगमन होगा जो कि आपके रिश्तों में मिठास लेकर आएगा। मेष राशि वाले अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं को भोग लेंगे और इस साल आपको भाग्य का पूरी तरीके से साथ मिलेगा। बाकी दोस्तों भगवान शुक्रदेव के आशीर्वाद से इस साल 2023 में आप अपने व्यापार में अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और स्पेशली जो व्यक्ति सफेद चीज संबंधित व्यापार करते हैं जैसे कि दूध का व्यापार, शक्कर का, चावल का या कोई भी कपड़े वगैरह का व्यापार करते हैं या सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं ना, उनके लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले होने जा रहे हैं। भगवान शुक्रदेव के आशीर्वाद से आपको विशेष रूप से बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो चलिए मित्रों इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों